सोलन में तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की वर्ष भर की मेहनत पे पानी फिर गया है, जिस कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ देखने को मिल रही है। अचानक हुई ओलावृष्टि से टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी की फसलों पर कहर बरसा है, तो वहीं करीब 70% फसल भी तबाह हो गई है। जहां किसान इस बार समय पर हुई बारिश से खुश नजर आ रहे थे, वहीं उन्हें अच्छे मुनाफे की भी उम्मीद थी, लेकिन अचानक हुई ओलावृष्टि ने खुशियों पर पानी फेर दिया है। ग्राम पंचायत तोप के बेड़ के किसानों ने प्रदेश सरकार से मुआवजे की अपील की है। इस बाबत उन्होंने उपायुक्त सोलन विनोद कुमार को ज्ञापन भी सौंपा और उन्हें फसल के नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि अचानक हुई ओलावृष्टि से उनकी सारी फसल खराब हो चुकी है, इसलिए प्रदेश सरकार इस संकट के समय में उनकी मदद करे और उनकी खराब हुई फसल का मुआवजा दे। उन्होंने फसल लगाने के लिए बैंक से ऋण लिया है और अब स्थिति में नहीं है कि वे ऋण चुका सके, यहाँ तक कि उन्हें अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में सरकार उन्हें मुआवजा देकर इस संकट से बचा सकती है। ओलावृष्टि हुई ग्राम पंचायत ओप की बेड़ में, उससे जो है सभी गांवों को मलोग, चाकली, शीर, चौरा और तोप की बेड़ को जो है वो भारी नुकसान हुआ है, और जिससे जो है किसानों की कैश क्रॉप की सभी नकदी फसलें जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम एक डेपोटेशन लेकर ग्राम पंचायत ओप की बेड़ से डीसी महोदय जी के पास आए थे, तो हमारी महोदय जी से रिक्वेस्ट है कि वो किसानों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए जो है वो मतलब तोप की बेड़ पंचायत, ग्राम पंचायत तोप की बेड़ को जो है वो मुआवजा देने की कृपा करें। डीसी साहब को हमने एक ज्ञापन हमने सीएम साहब को सौंपा है, जिसमें हमने गांव के लोगों ने रिक्वेस्ट की है सीएम साहब से कि हमारे इस फसल का कुछ ना कुछ मुआवजा हमें जरूर दिया जाए, क्यों हमारे जो गांव की जो मेन क्रॉप है वो यही टमाटर और शिमला मिर्च की कैश क्रॉप में जानी जाती है, और इसी से ही हमारे जो गाँव वासियों का गुजारा पूरे साल का गुजारा होता है। जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है, टमाटर की फसल, खमानी, पलम और सारी ओलावृष्टि से सारी फसलें बर्बाद हो गई है। सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि सभी किसान भाइयों को इसका मुआवजा दिया जाए। यहाँ हमारी मेन क्रॉप है टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, यानी पलम, खुरमानी, इससे हमारा निर्भर होता था सारे साल का, वही हमारी नष्ट हो चुकी है, इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को इसका कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए।